नाजरीन, गुज़िश्ता हफ्ते लगातार हम औरंगाबाद के MIM कारपोरेटर सैयद मतीन की खबरें देख रहे थे। सैयद मतीन को गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार करके हरसूल जेल रवाना कर दिया गया था, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन पहले सैयद मतीन की जमानत पर रिहाई हुई है। सैयद मतीन एक दबंग युवा नेता के तौर पर जवानों के दिल में और औरंगाबाद की आवाम के दिल में जगह बना रहे हैं। उन्होंने काफ़ी जनरल बॉडी की मीटिंग में हंगामा किया और यकसा पानी सप्लाई के मामले में उन्होंने ऐसा हंगामा किया कि जेल की हवा खानी पड़ी। आइए हमारे औरंगाबाद के रिपोर्टर मोहम्मद उमैर नईम मिफ्ताही ने सैयद मतीन की रिहाई के बाद डायरेक्ट उनके ऑफिस उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात की। आइए देखते हैं क्या कहा सैयद मतीन ने। चार छः महीने पहले जब BJP के महापौर गलम उड़े थे तो पानी का मसला उठा था। तो हमारा ये बोलना था उस मीटिंग के दौरान कि भाई मुस्लिम इलाकों के अंदर पानी जो 6 दिन में आ रहा वो तो 3 जो शहर में और जो शिवसेना BJP के इलाकों में जो है तो 2-3 दिन आड़ पानी आ रहा, तो पूरे शहर को इक्वल पानी दिया जाए। ओल्ड सिटी के अंदर हमारे एरिया के अंदर 3 दिन आड़ पानी दिया जाए जिस तरीके से उनके इलाकों में दिया जा रहा, तो ये हमारी लड़ाई थी। तो उस दौरान सभागृह में कोई धक्का मुक्की हुई, राजदंड पकड़ना हमारा अधिकार है, हमें राजदंड महापौर का पता, और शुरुआत उधर से हुई थी, शुरुआत BJP की तरफ से हुई थी। तो हमने उसका जवाब दिया तो बापू गड़ामुड़े का तस्वीरें इतनी थी, उन्होंने हमारे पर FIR किया। वो FIR की तो वो केस पेंडिंग था, तो पुलिस ने वो केस में बाद में हमको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जो है तो कोर्ट में हमें हाजिर किया गया और ये साथी कॉर्पोरेटर जफर भी मौजूद थे साथ में मेरे। तो उसके बाद हमें जो है तो कोर्ट में हाजिर किया गया, कोर्ट ने हमें तो बेल रिजेक्ट कर दी और हरसूल जेल रवाना कर दिया। कॉर्पोरेटर जफर को घाटी दवाखाने में एडमिट रखा गया, मुझे हरसूल जेल 4 दिन रखा गया पानी के लिए। मैं जब हरसूल जेल में गया तो कैदियों ने मुझसे सवाल किया तो भाई आप कौन से केस में आए, वहाँ कोई मर्डर केस में जाता, कोई चोरी के केस में जाता, बोले आप कौन से केस में आए। मैं बोला भाई पानी का मसला था, मुस्लिम इलाकों में पानी नहीं दे रहे थे तो केस हो गया। तो हैरत से कैदी ने पूछा पानी के केस में कैसा आ गए, हैरत हुई इस बात की। बोलने की बात बात यह है कि जब तक मुस्लिम इलाकों के अंदर पानी इक्वल नहीं दिया जाएगा ये जद्दोजहद जारी रहेंगी। आज स्टैंडिंग कमेटी में भी मैंने मसले को उठाया और मैं ये हम लड़ाई मस्जिद के तैयार मुस्लिम की जारी रहेंगी इंशाल्लाह, और हम लड़ते रहेंगे और कैफिक किरदार तक ये काम को पहुंचाएंगे। लड़ेंगे मतलब इसका नहीं कि जिंदगी भर लड़ते बैठेंगे, हम इसका इम्प्लीमेंट करा के लेंगे इंशाल्लाह ये 8-15 महीने बाद। कुछ मुखालिफिन ऐसे हो शहर में चला रहे हैं कि भाई दिल्ली हवा खाने के बाद सैयद मतीन अब खामोश बैठ जाएंगे, तो क्या आप खामोश बैठेंगे या ये लड़ाई आवाम की है, मुद्दे पर लड़ाई आपकी जारी रहेगी? देखिए मैं जब हरसूल जेल में था तो मुझे 1 दिन के लिए जनरल बॉडी मीटिंग में लाया गया था पुलिस बंदोबस्त के अंदर। तो आप उस दिन की जनरल बॉडी मीटिंग में मैंने फिर से पानी का मुद्दा उठाया और आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, मैंने फिर से पानी का मुद्दा उठाया और रही बात जेल की हवा खाने के, तो मैं जेल में जाने से और मजबूत होकर आ गया। यूसुफ अलैहि सलाम की सुन्नत है जेल में आना, हम जेल में आने से नहीं। ये जो हमारे साथ MIM के कारपोरेटर सैयद मतीन साहब जो हमसे बात कर रहे थे, कैमरामैन दानिश के साथ मैं मोहम्मद उमर, वायरल न्यूज लाइव औरंगाबाद।